नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक श्रोताओं, मैं रश्मि हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई बातें लेकर। हमारे हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहां का वारिस बनने की जंग में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मात दे दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनमें दारा शिकोह का हश्र तो सबको पता है ही, लेकिन औरंगजेब ने बाकी दो भाइयों शाह शुजा और मुराद के साथ क्या किया, इसकी जानकारी काफी कम लोगों को है। तो आइए जानते हैं औरंगजेब ने सत्ता के इन दो वारिसों को कैसे अपने रास्ते से हटाया। दारा का खात्मा करने के बाद औरंगजेब के निशाने पर शाह शुजा था। सामूगढ़ की लड़ाई में शुजा पहले औरंगजेब के साथ था, लेकिन जैसे ही उसे औरंगजेब की चालाकियों के बारे में पता चला, वो उसके खिलाफ हो गया। लेकिन औरंगजेब के हाथों उसकी हार हुई और वो लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा हुआ। 5 जनवरी 1649 को औरंगजेब को खबर मिली कि शाह शुजा फतेहपुर के निकट खाजवाहा में छुपा हुआ है। औरंगजेब ने शुजा को पकड़ने के लिए शाही सेना भेज दी, जहां उनका मुकाबला शुजा के वफादार सैनिकों से हुआ। इस भगदड़ के बीच शुजा वहां से भाग निकलने में सफल रहा। शुजा बंगाल की तरफ भागा। औरंगजेब ने वहां भी अपनी सेना भेज दी। सेना के डर से शुजा अकारण ही पहाड़ियों में छुपता रहा, लेकिन मई 1660 में मेघा कबीले के लोगों से उसकी मुठभेड़ हो गई और इस लड़ाई में शुजा की हत्या कर दी गई। इस तरह औरंगजेब के रास्ते का एक और कांटा साफ हो गया। शुजा के बाद अब मुराद बख्श की बारी थी। मुराद को मथुरा में बंदी बनाकर औरंगजेब ने लाल किले में कैद कर रखा था। शुजा से निपटने के बाद औरंगजेब ने अब मुराद का काम तमाम करने का निर्णय लिया। उसने मुराद पर ये आरोप लगाया कि उसने गुजरात के दीवान अली नकवी की हत्या कर घोर अपराध किया है। मुराद पर उसने हत्या का मुकदमा चलवाया और इस अपराध में उसे फांसी की सजा सुना दी। 4 दिसंबर 1661 को उसे आगरे के किले में ले जाकर फांसी दे दी गई। औरंगजेब के बाकी तीनों भाइयों के पुत्रों में दारा का बेटा सिफिर शिकोह ही एक ऐसा पुरुष था जिसकी जान उसने बख्श दी। सिफिर को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। औरंगजेब ने उसे आजाद करवा कर अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दी। कहा जाता है कि सिफिर शिकोह काफी खूबसूरत नौजवान था। औरंगजेब उसकी भी हत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ने सिफिर की जान बख्श देने की गुजारिश की थी। बेटी की पसंद को देखते हुए औरंगजेब ने उसे अपना दामाद कबूल कर लिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्री और मिस्ट्री की एक और नई पेशकश, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट्स मिलते रहें। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।